गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग डिप्रेशन में, मैं उनको बताने वाला हूँ कि आज नस कैसे काटते हैं। तो मजाक कर रहा हूँ। तो कल रात को बोल दिया था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा ऐसे मजाक में, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही इसको सीरियसली ले लिया है। तो इसलिए हमारे पास आज हम बनाने वाले हैं पनीर सैंडविच। ये देखिए पनीर ब्रेड, ये रहा पनीर। शिमला मिर्च अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालें ठीक है। ये चीज़ ये सब गाइस, अगर जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि मेरे को ना खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मेरे से मैगी तक नहीं बनती है, चाय नहीं बनती है, और मैं पनीर सैंडविच बना रहा हूँ। तो आइए देखते पनीर सैंडविच कैसा बना। आ चुके हैं, ये शिमला मिर्च भी काटेंगे। मेरे को काटना आता है नहीं। Two hours later. क्या कर? हो गया, हो गया। कितना हमारा कंप्लीट हो गया। तो गाइस अगर मैं उसी स्पीड में काटता रहता ना तो अब तक तो मेरा कुछ नहीं कटता। तो अभी एक डेढ़ घंटे बाद मैंने इसको काट लिया है जितना मेरे को चाहिए था। अभी हम लोग पनीर को काट के काटूंगा मैं, छील के देखता हूँ कैसा बनता है। देखता है अभी हम पनीर काटेंगे। तो पनीर आप ना बहुत तरीके से काट सकते हो। पहला, जैसे कि आपकी एक्स ने जैसे कि आपका काटा। दूसरा, जैसे आप अभी कटवाने वाले हो। तीसरा, जो लोग कटवा चुके हैं ताई हम लोग ऐसे काटे बीच में से दो दिल अलग देख रहे शेफ जैसी फीलिंग आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना पनीर काट काट दू या थोड़ा सा रहने दू नहीं है ना। और मेरे को ना कोई कमेंट में ये नहीं लिखेगा कि हमेशा कच्चा पहन के बैठ जाता है। मैं पहनू तेरा क्या भाई, खाना खा अब इसको हम लोग अच्छे से। अब इसमें हमने डाल दिया नहीं, ये सॉस डालेंगे। नहीं ज्यादा चला गया, मुझे डर होता है ना कि ज्यादा गिरता है कम ना गिरता है। उसके बीच में दबाओ, ज्यादा गिर जाएगा तो निकल गो कैसे, कब गिरेगा तो टाइम लगे। अभी देख लो ये और ही हम डाल रहे हैं और सीजनिंग। क्या बोल रहा है रुक जाओ। अब हम डाल रहे हैं इसमें गार्लिक सीजनिंग। सुबह और अब हमने ब्रेड ले लिया है। हम ब्रेड को इसको इस पे डाल देंगे। क्या पता अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मेरे को पनीर ज़्यादा पसंद है तो मैंने पनीर ज़्यादा डाला है, वेजिटेबल्स कम डाले। इसमें हम लोग बटर या चीज़ लगाएंगे जैसे आप लगे। पहले हम लोग चीज़ से ना मुझे एक ही चीज़ आती है याद आती है, वो चीज़ पड़ी है मस्त मस्त, वो चीज़ पड़ी है। अब हमारा ये तैयार है एक, अब हम दूसरा बनाएंगे ऐसे ही। इसको भी तैयार कर लिया है, उसको हम इसका रखते हैं, पढ़ने जाते हैं गर्म करने। गाइस हमारा ये तैयार है। हम लोग ने कपड़े चेंज कर लिए हैं ताकि थोड़े प्रोफेशनल लगे मास्टर शेफ करते हुए। इसमें हम लोग बटर डालते हैं। हम बटर को हर जगह फैला लेंगे। मेरा इसका हैंडल टूटा हुआ है वरना मैं बटर को ऐसा स्विच करके दिखाता। कैसे
उसके लिए टेक्निक चाहिए जो आपके पास नहीं है, लेकिन उसका टाइम हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सैंडविच। समझदार नहीं बोलूंगा लेकिन आप लोग ले, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है थोड़े बस। इसको ना आपको थोड़ी देर तक प्रेस करते रहना है क्योंकि ऐसे ही आपका टाइम लगेगा। और कोई देर गया, अब ये दब चुका है और इसको पलट देंगे। अब वो देखते हैं हम लोग कैसे पलट देंगे। इसकी भी एक टेक्निक मार है। गाइस पलट गया, पलट गया। थोड़ी सी मेहनत और मिजरेबली फेल गाइस। गाइस हो गया, देखिए मैंने कट्टा पर दिया है अच्छे से। तो गाइस अपना दूसरा देखिए कितना क्लीन कर हुआ है। टफ डे एट वर्क डालूंगा आज फिर से। इसलिए मैं आपको इससे ना आपको एक लाइफ का लेसन देना चाहिए। अगर आप पहली बार देखते इसका जरूरी मतलब नहीं है कि आप दूसरी बार दी गए, इसी से आपको परफेक्शन आएगा। मैं आपका संदीप महेश्वरी खाना बनाना सिखा रहा हूँ विद सम लाइफ स्किल टिप्स मेरे साथ। अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये सब आग का खेल है। हम थोड़ा आग को कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। इतनी मेहनत मैंने आज तक कभी नहीं करी सैंडविच बनाने में, क्योंकि मैं तो कच्चे दूध में ही ब्रेड डुबो देता हूँ बिकॉज आई लाइक इट विट। अगर आप अमीर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से हर कोई अमीर होता है। गाइस गाइस ही हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुकाम पे पहुंच गए, गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो डाल देते हैं अगर आपको पसंद है तो। उफ, इस सीजन में कुछ याद आ गया था, वो भी काम करने से पाते। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप। सॉस लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमारा होममेड पनीर सैंडविच तैयार है।